खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर को लेकर हलचल में सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम के घर पहुंचे अजीत डोभाल। बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई नीतिगत फैसला हो सकता है, ऐसा फैसला जो दिल्ली से लेकर घाटी तक हालात प्रभावित करेगा। लेकिन इस बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह अपने आवास से निकले हैं। बड़ी खबर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आशीष कुमार से। आशीष, पीएम आवास पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कल गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह भी निकल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के लिए, संभवतः वो भी पहुंच चुके होंगे अब तक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले से 9:30 बजे बहुत क्रूशियल कैबिनेट की बैठक है जो प्रधानमंत्री शेयर करने वाले हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी है, जो सरकार के उच्च सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि आज कश्मीर को लेकर के पॉलिसी डिसीजन होना है, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन होना है जिसके अनाउंसमेंट कैबिनेट के बाद कर दी जाएगी। सभी की नजर है, और इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंचे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी और 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर पे आज कोई बड़ा पॉलिसी फैसला होना है जिसके अनाउंसमेंट कैबिनेट की बैठक के बाद कर दिया जाए। आशीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विकास, आपके पास जानकारी ही आ रही है कि अमित शाह पहुंच गए पीएम आवास, बताएं, अपडेट दें। या बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह 7LKM यानी कि प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो गृह मंत्रालय के तमाम अफसर हैं उनकी फौज भी पहुंची हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले से यहाँ मौजूद थे। तो अब जो 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है उसके लिए जो एजेंडा है उस पर बैठक शुरू हो चुकी है ये माना जाए। देखिए, कानून मंत्री का साथ होना गृह मंत्री के, ये इस और इशारा करता है कि एक बड़े कानून में बदलाव किया जा रहा है। वो बदलाव क्या होगा? जम्मू कश्मीर के कानून में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, वो बदलाव क्या होगा ये कैबिनेट की बैठक के बाद जब सरकार संसद में बयान देगी उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें, कल सुबह राष्ट्रपति अफ्रीकी देशों की, और उस पूरे सीक्वेंस पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। विकास, आप भी नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जो हलचल देश में तेज है।